हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसएस सरप्राइज। इस वीडियो में आपको 25 जुलाई 2024 को जो 12th क्लास का एचएससी का महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम हुआ था, इस बोर्ड एग्जाम के कंप्लीट क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन की पीडीएफ मैंने ओपन कर दिया। यहाँ पे देखिए 25 जुलाई 2024 फर्स्ट एमसीक्यू, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। यह आंसर कैसे आया है इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन भी आपको इस पीडीएफ में दिख जाएगा। याद रखना, बोर्ड एग्जाम में आपको एक्सप्लेनेशन नहीं लिखना है एमसीक्यू के लिए। पीडीएफ में एक्सप्लेनेशन इस वजह से लिखा हुआ है ताकि आपको बेटर तरीके से समझ में आए कि यह आंसर कैसे आया। सेकंड एमसीक्यू को भी देखिए, करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, इसका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर है। थर्ड एमसीक्यू, एंगल बिटवीन लाइन्स कैलकुलेट करना था, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, इसका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर लिखा हुआ है। फोर्थ एमसीक्यू, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, इसका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर है। फिफ्थ एमसीक्यू, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, इसका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर है। सिक्स एमसीक्यू, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर है। सेवन्थ एमसीक्यू, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, 4.2.4, इसका भी आंसर यहाँ पर है एक्सप्लेनेशन के साथ। एट्थ एमसीक्यू, यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना था अप्रोक्सीमेट वैल्यू, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, ये इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर टू, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे सबसे पहले आपको फाइंड करना था कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन, ये इसका फाइनल सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर टू में आपको वैल्यू कैलकुलेट करना था साइन इनवर्स ऑफ साइन 5π/3, सो ये इसका आंसर है 5π/3, इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर थ्री, आपको ये इंटीग्रेशन को इवेल्युएट करना था, तो ये इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर फोर, यहाँ पर आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखना था इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो इसका आंसर आ जाएगा e^x। अब उसके बाद सेक्शन बी, देखिए आगे का सॉल्यूशन देखने से पहले आप ये जो कंप्लीट सॉल्यूशन की पीडीएफ देख रहे हो, इस पीडीएफ की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रेजेंट है। आप लोग जैसे ही लिंक के ऊपर क्लिक करोगे, ये पीडीएफ वाई लर्न ऐप में ओपन होता है, जो कि महाराष्ट्र बोर्ड का फ्री लर्निंग ऐप है। इस ऐप में आपको प्रीवियस सारे बोर्ड एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर्स, बोर्ड एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन, टेक्स्ट बुक, चैप्टर वाइज टेस्ट, चैप्टर वाइज बोर्ड एग्जाम सॉल्यूशन, बोर्ड एग्जाम टाइम टेबल, बोर्ड एग्जाम पेपर पैटर्न, सारी चीजें इस एप्लीकेशन में आपको फ्री में मिल जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन बी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थ्री है, आपको ये जो स्टेटमेंट गिवन है आपको इसका ट्रूथ वैल्यू कैलकुलेट करना था, तो देखिए इसका आंसर आ जाएगा एफ, दैट इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर फोर में आपको इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कैलकुलेट करना था बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, तो देखिए ये इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर फाइव में आपको कैलकुलेट करना था पोलर कोऑर्डिनेट्स, यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो ये इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर सिक्स के अंदर आपको एक्यूट एंगल बिटवीन लाइन्स, ये जो लाइन्स है इसके एक्यूट एंगल कैलकुलेट करना था, इसका आंसर आ जाएगा π/4। क्वेश्चन नंबर सेवन में आपको ट्रूथ टेबल का यूज करके ये प्रूफ करना था कि ये जो स्टेटमेंट है ये टॉटोलॉजी है, तो देखिए ये इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर एट, यहाँ पर हमें वैल्यू ऑफ एक्स कैलकुलेट करना है, तो देखिए ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है, यहाँ पे एक्स का आंसर आ जाएगा 1/6। क्वेश्चन नंबर नाइन, यहाँ पर कैलकुलेट करना है पॉइंट्स ऑन द कर्व गिवन बाय वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x² + x + 3, वेयर टेंजेंट्स आर पैरेलल टू द लाइन वाई इज इक्वल टू x + 5, तो देखिए ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है और ये इसका फाइनल आंसर। पॉइंट्स जो रहेंगे वो 0.3 and 4.-25। किसी भी सॉल्यूशन में आपको कोई भी डाउट रहे तो वायलन ऐप में व्हाट्सएप का भी एक फीचर है, आप वहां से जिस सॉल्यूशन में भी आपको डाउट है आप डायरेक्टली वहां से पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे देखिए ये इंटीग्रेशन है, आपको इसे इवेल्युएट करना था, तो ये इसका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना था टाइम व्हेन एक्सेलरेशन इज 14 ft/s², सो यहाँ पे टाइम आ जाएगा 2 सेकंड्स। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे इंटीग्रेशन गिवन है, इसे इवेल्युएट करना था, तो देखिए ये इसका फाइनल आंसर, इसका आंसर आ जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना था के एंड प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज लेस देन 2, तो के का आंसर आ जाएगा 3/20। उसके बाद देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन 2 कैलकुलेट करना था, जिसका आंसर आ जाएगा 5/20, इसे आप सॉल्व करके 1/4 भी लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द पार्टिकुलर सॉल्यूशन, ये जो आपको यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है इसका आपको पार्टिकुलर सॉल्यूशन कैलकुलेट करना था, तो देखिए ये इसका पार्टिकुलर सॉल्यूशन है। उसके बाद सेक्शन सी, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 है, आपको प्रूफ करना था अगर ए कॉस ए इज इक्वल टू बी कॉस बी, देन ये जो ट्राइंगल है वो इधर राइट एंगल ट्राइंगल है और एक आइसोसेलस ट्राइंगल, ये आपको प्रूफ करना था, तो देखिए यहाँ पे सिंपली साइन रूल अप्लाई करेंगे देन हमारा प्रूफ हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, आपको बताना था कि ये जो चार पॉइंट्स गिवन है ये कोप्लानर है या नहीं, ठीक है, तो देखिए ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है और अल्टीमेटली हमारा आंसर आएगा कि ये चारों पॉइंट्स कोप्लानर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पे आपको लिखना था डिफरेंस बिटवीन द स्लोप्स ऑफ द लाइन, ये जो यहाँ पे लाइंस गिवन है ये दोनों लाइंस के स्लोप्स का डिफरेंस आपको कैलकुलेट करना था, तो ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 2। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना था वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन,
तो देखिए ये इसका फाइनल आंसर है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे देखिए टोटल दो क्वेश्चन है, एक प्रूफ करने वाला क्वेश्चन आपको प्रूफ करना है वेक्टर आर इज इक्वल टू टी वन इंटू वैक्टर ए प्लस टी टू इंटू वैक्टर बी, एंड देन आपको फाइंड करना है टी वन एंड टी टू, ये जो गिवन वैक्टर है इसके लिए। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन का प्रूफ, कंप्लीट प्रूफ, ये फर्स्ट क्वेश्चन का कंप्लीट प्रूफ है। एंड देन उसके बाद सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है जहाँ पे आपको टी वन एंड टी टू कैलकुलेट करना था, तो टी वन का आंसर आ जाएगा 1 एंड टी टू का आंसर आ जाएगा -1। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 आपको इक्वेशन फाइंड करना था एक प्लेन का विच इज पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स, ये दो प्लेन्स के इंटरसेक्शन पे जो एक प्लेन पास हो रहा है आपको उसका इक्वेशन कैलकुलेट करना था। तो देखिए ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है, इसका आंसर आ जाएगा 3x + 2y + z = 0। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे आपको dy/dx कैलकुलेट करना है, तो देखिए ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है, ये कंप्लीट सॉल्यूशन है और ये इसका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट करना था, तो देखिए ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगा 26.4। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर आपको ये इंटीग्रेशन को इवेल्युएट करना था, तो देखिए ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है और ये इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर आपको सॉल्व करना था इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो देखिए ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन और ये इसका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना था प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो देखिए ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है, यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 आएगा 2 × 0.8⁻⁹ एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 इसका आंसर आ जाएगा 1 − 0.8⁻¹। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना था एक्सपेक्टेड वैल्यू, वेरियंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये है एक्सपेक्टेड वैल्यू, ये है वेरियंस, ये है स्टैंडर्ड डेविएशन। अब उसके बाद सेक्शन डी क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम गिवन है, आपको इसे सिंप्लीफाई करना था, सिंप्लीफाई करने के बाद आपको एक नया सर्किट डायग्राम बनाना था, तो देखिए ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है। सबसे पहले हम लोग इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं एंड देन उसके बाद फिर हम लोग डिफरेंट लॉस का यूज करके इसे सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करने के बाद हम लोग नया सर्किट डायग्राम बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में हमें ये जो मैट्रिक्स है इसका ए इनवर्स कैलकुलेट करना था बाय एडजॉइंट मेथड, तो ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है। सबसे पहले हमने कोफैक्टर मैट्रिक्स कैलकुलेट किया, देन एडजॉइंट कैलकुलेट किया एंड देन एडजॉइंट का यूज करके हमने ए इनवर्स कैलकुलेट कर लिया, ये इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पे हमें फाइंड करना है बीपी अपॉन पी यूजिंग वेक्टर मेथड और डिफरेंट कंडीशंस क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है, ये देखिए कंप्लीट सॉल्यूशन, फाइनल आंसर आ जाएगा बीपी अपॉन पी इज इक्वल टू 8/3। क्वेश्चन नंबर 30 ये एलपीपी के बेस पे प्रॉब्लम है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, सो ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है। यहाँ पे एक्चुअली आपको मैक्सिमम प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, सो सबसे पहले हम लोग ये टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे, टेबल कंस्ट्रक्ट करने के बाद इसका डायग्राम बनाएंगे, ग्राफ, ग्राफ बनाने के बाद हमें फिजिबल रीजन पता चलेगा, फिजिबल रीजन को जो भी उसके फिजिबल पॉइंट्स रहते हैं उसे हम जेड में पुट करेंगे एंड जो भी हमारा यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू आएगा वो हमारा फाइनल आंसर। मैक्सिमम वैल्यू आप देख सकते हो 1800 है यहाँ से, तो जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 1800 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पर सबसे पहले हमें प्रूफ करना था dy/dx इज इक्वल टू dy/du × du/dx एंड देन हमें कैलकुलेट करना था डेरिवेटिव ऑफ 1/√sin(x), तो सबसे पहले ये डेरिवेशन का यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट होता है, ये कंप्लीट डेरिवेशन का सॉल्यूशन, ये प्रूफ हो गया एंड देन उसके बाद जो आपको डेरिवेटिव कैलकुलेट करना था ये उसका सॉल्यूशन और ये फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पे एक इंटीग्रेशन गिवन है, आपको इसे इवेल्युएट करना था, तो देखिए ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है और ये इसका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए ये प्रूफ करने वाला क्वेश्चन था, इवन एंड ऑड फंक्शन वाला क्वेश्चन, सबसे पहले आपको प्रूफ करना था, प्रूफ करने के बाद यहाँ पे एक इंटीग्रेशन गिवन है इसे सॉल्व भी करना था, तो प्रूफ सबसे पहले देख लेते हैं, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट होता है और ये कंप्लीट प्रूफ है इसका, यहाँ पे इसका प्रूफ एंड होता है एंड देन उसके बाद फिर जो आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करना था ये उसका सॉल्यूशन है, इसका इंटीग्रेशन का आंसर आ जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना था एरिया ऑफ एलिप्स, देखिए यहाँ पे इक्वेशन गिवन है उसका एंड देन उसके बाद आपको लिखना था एरिया ऑफ दिस, ये जो यहाँ पे एक और एलिप्स गिवन है इस एलिप्स का एरिया आपको लिखना था, तो सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हमने डायग्राम बनाया, इक्वेशन लिखा, यहाँ से हम लोग इंटीग्रेशन वगैरह करेंगे तो हमारा जो एरिया आ जाएगा वो रहेगा π × ab² यूनिट। सेम फॉर्मूले को हम लोग यूज़ करेंगे सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो हमारा आंसर आ जाएगा 20π² यूनिट्स, ये आ जाएगा फाइनल आंसर। सो ये कंप्लीट सॉल्यूशन की पीडीएफ थी, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अपने 12th क्लास के फ्रेंड्स को शेयर करना। सॉल्यूशन की पीडीएफ की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रेजेंट है, लिंक के ऊपर क्लिक करके आप फ्री में सॉल्यूशन को देख सकते हो।